हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सभा में उपस्थित मेरी सभी माताएं बहने, हमारी मुख्य अतिथि सुनीता लोचर जी, जिनके बारे में हम कितना भी कहें, थोड़ा भी कहें तो बहुत ज्यादा उनका काम है, हम थोड़ा ही कह पाएंगे क्योंकि हमें जितने कम उम्र से जुड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो उसका हमें अंदाजा भी नहीं है। कई बार मैं इनकी फोटोज वगैरह देखती हूँ, तो जब वो यंग एज में कॉलेज वगैरह में या स्कूल में स्टूडेंट हुआ करती होगी, तब से वो भारतीय जनता पार्टी की सेवक है, तो उनके लिए जोरदार तालियां। बहुत ही आदरणीय
इनकी कितनी भी कमाई मैं करूं उतनी कम है। मेहनत करने के मामले में
हेलो काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार, आप देख रहे हैं खबर तहलका। अभी मैं मौजूद हूँ लैया धर्मशाला में, जहां महिला मोर्चा महासम्मेलन आयोजित किया गया है, जहां इतनी तादाद में महिला एकत्रित हुई है। कहा जाता है जहां महिला एकत्रित हो जाती है वहां महिला शक्ति दुर्गा उत्पन्न हो जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी की। महिला शक्ति सारी बीजेपी के समर्थन में आ चुकी है। ये कह रही है कि जो 75 का नारा है वो अब की बार हम पार करके दिखाएंगे और जानेंगे। यहाँ जिला अध्यक्ष पुष्पा तायल और उपमंडल कविता शर्मा से, जो इस प्रोग्राम की अध्यक्षता देख रही है, इनसे जानेंगे इस प्रोग्राम के बारे में। हमारे साथ अभी मौजूद है पुष्पा तायल जी, जिला अध्यक्ष, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे जो ये महिला मोर्चा महासम्मेलन का प्रोग्राम किया गया था इसके बारे में, जो इतनी महिलाएँ एकत्रित हुए हैं, क्या है उद्देश्य? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 23 के 23 जिलों में महिला शक्ति सम्मेलन के प्रोग्राम का आयोजन किया हुआ है। सभी हमारी बहनें महिला मोर्चा की 23 के 23 जिलों में आज गई हुई हैं। हमारे महिला शक्ति सम्मेलन बड़े स्तर पर आज चले हुए हैं। हमारा एक ही नारा है, अब तो चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। देखो 21 तारीख चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम 90 की 90 विधानसभा में कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। हमारा एक ही नारा है, अब की बार 75 पार, लेकिन हम 85 पार करके दिखाएंगे। 90 की 90 विधानसभा में हम कमल का फूल खिला के दिखाएंगे। सफीदो विधानसभा से महिलाओं की कितनी भागीदारी रहेगी? सफीदो विधानसभा से 50% से भी ज़्यादा महिलाएं अपना वोट डालने का काम करेंगी। लोकसभा चुनाव में भी बहनों ने भाइयों से ज़्यादा वोट डाली थी। क्या ये वाक्य सही हो पाएगा कि महिला हर कामयाब के पीछे एक महिला का हाथ होता है? क्या कमल की नैया आप पार लगा पाओगे? बिल्कुल होता है। यूं कहते हैं कि एक सक्सेस पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आज ये नज़ारा आपको देखने को मिला होगा, यहाँ पर लाइट भी नहीं थी, पंखे भी बंद थे, उसके बावजूद भी इतनी भारी संख्या में यहाँ की जो मेरी मंडल अध्यक्ष है कविता शर्मा जी, उसने इतने अच्छे प्रोग्राम का आयोजन करवाया, उसके बावजूद किसी भी बहन ने उफ तक नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की तो एक ही सीख है, देखो आज आपने अनुशासन भी देखा बहनों का, और बहनें कितनी हिम्मत के साथ और कितने उत्साह के साथ यहाँ पर बैठी हुई थी। तभी एक ही बात है कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ जुड़ी हुई हैं। खबर तहलका के माध्यम से आप महिला शक्ति को क्या संदेश देना चाहते हो? महिला शक्ति को मैं एक ही संदेश देना चाहूंगी कि महिलाएं अपने बूथ पर जाकर, एक तो हमने अपनी बूथ वाहिनी बनाई है, सभी बूथों पर हमने अपने 5-5 प्रहरी तैयार किए हैं, जिसको बोलते हैं कि बूथ वाहिनी। हमारे बूथ पर 5-5 बहनें खड़ी होंगी और अपने बूथ को जिताने का काम हमारी बहनें करेंगी। जहां तक है महिलाओं की बात, तो महिलाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह आज मेरे को देखने को मिला है। थैंक यू तहल जी। हमारे साथ कविता शर्मा जी है, जो इनकी अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हुआ है, इनसे और जानेंगे क्या महिला शक्ति कितना जोर दिखा सकती है, कितना यहाँ से एकत्रित होके कमल के फूल को जीत दिला सकती है। हमारे साथ अभी मौजूद है कविता शर्मा जी। हाँ जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका। ये जो इतनी महिला शक्ति, इतनी दुर्गा माँ एकत्रित हुई है, क्या है यहाँ इकट्ठा होने का प्रपंच?
देखिए आज हमने कमल शक्ति महिला मोर्चा महासम्मेलन के अंतर्गत ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इस संगठन का जो मेन मकसद है वो ये है कि महिला शक्ति को कमल के फूल के लिए वोट देने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि भी हम आज एक वचन लेंगे आपस में, हम एक दूसरे से वायदा निभा करेंगे कि हम आने वाले समय में कमल के फूल को सफ़ेदों में बोएंगे और खिलाएंगे भी, ठीक है। और बहुत अच्छा हमारा रिस्पॉन्स है और हमारी टीम सफ़ेदों की, मेरी महिला मोर्चा के एक एक सदस्य है जो मेरे सचिव हैं, चाहे महामंत्री हैं, चाहे मेरे जिला उपाध्यक्ष हैं, सरोज भाटिया जी जैसे, सरोज सैनी जैसी मेरी महामंत्री हैं, मंजू गौतम हैं, वो आजकल थोड़ा नासाज हैं, तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ पा रहे थे, तो वैसे मधु नंदवानी जी, रेशमा जी, ये सभी जो लेडीज़ हमारे साथ जुड़ी है, नाम मैं बाई चांस हो सकता है किसी का मिस कर दूँ, पर एक एक हीरा है हमारा, एक माला के रूप में हम काम करते हैं, एक मुट्ठी के रूप में काम करते हैं, किसी का ये नहीं है मकसद, हमारा मकसद है कमल के फूल को जिताना। कविता जी, मैं बात करूं, अगर यहां सफीदो विधानसभा में कमल का फूल खिल जाता है, सबसे पहले कार्य क्या होगा सफीदों को चमकाने के लिए? देखिए, जो हमारा इस बार का जो मेन एजेंडा है वो सुरक्षा, हेल्थ और एजुकेशन, ये हमारा सरकार का मेन है। इसको शी फैक्टर भी, शी भी कह सकते हैं, SHE शी, शी का मतलब एक लेडी भी होता है, ये तो कोइंसिडेंस है, महिलाओं के लिए भी सपोर्ट करती है सरकार और शी फैक्टर के लिए भी। S से हो गया सेफ्टी, H से हो गया हेल्थ और E से एजुकेशन। अगर ये तीन चीज़ें अच्छी हो जाएं जी तो हर एक चीज़ का नक्शा बदल जाएगा, आप देख सकते हैं, तो पता ही है आपको, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, शिक्षा अच्छी हो जाएगी और हमारा एजुकेशन अच्छी हो जाएगी। तो आपको कहीं नहीं लगता नहीं है कि यहाँ बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है? हाँ। सफीदों में कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए जहाँ होने से यहाँ की बेरोजगारी कम हो जाए, क्यों नहीं यहाँ सरकार इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में सोचती है? हाँ, मैं ये मानती हूँ कि हमारे युवा जो है ना, उनकी जो एनर्जी है उनको बहुत अच्छे ढंग से यूटिलाइज़ करने के लिए हमारे पास इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए जहाँ पे वो काम में अपनी एनर्जी लगा सकें, अभी खाली बैठ के इधर उधर घूम के भी टाइम। पर एक काम मैं कहूँगी कि सक्षम युवा के लिए जो काम कर रहे हैं, सक्षम योजना चलाई हुई है, उसमें काफ़ी हद तक हमने, हमारी सरकार ने कोशिश की है कि युवाओं को लगा दिया जाए और धीरे धीरे और दिशा में भी काम हो रहे हैं और सफीदों में इंडस्ट्री की मांग है और हम चाहेंगे भी आने वाले समय में लगे। इस बात के लिए हम अपने सफीदों की आवाज़ को बुलंद करेंगे और हम कहेंगे कि इंडस्ट्री आए, महिलाओं के लिए भी घर बैठे काम हो। आजकल ई मार्केटिंग होती है, हमारी महिलाओं के पास बहुत अच्छे अच्छे हुनर हैं, घर में बैठ के वो क्या पता क्या क्या इतनी अच्छी अच्छी क्राफ्ट की आइटम बनाती हैं, किसी को बुनाई अच्छी आती है, किसी को दरियाँ बनानी आती हैं, तो हम ये चाहेंगे आने वाले समय में हम ई मार्केटिंग के जरिए, क्योंकि हमारी जो कविता जैन मंत्री जी हैं उन्होंने भी इस टाइप की एक योजनाएँ कुछ जिलों में अभी चलाई है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और अगर वो इस सक्सेसफुल हो जाती हैं तो हम, मुझे लगता है छोटे छोटे टाउन्स में भी महिलाओं को घर बैठे ही रोजगार मिलेगा। और ये सरकार, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार सरकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं, अगर कोई काम करते हैं तो उसकी जवाबदेही भी रखते हैं, सबसे बड़ी बात होती है अकाउंटेबिलिटी। बाई चांस अभी छोटी मोटी प्रॉब्लम आई थी, जैसे क्लर्क के एग्ज़ाम में गए थे, उसके बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही अभी कह दिया कि हम, कई बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ना संज्ञान में नहीं होती, अचानक को डिसीजन हो जाते हैं, पर उन्होंने उसका संज्ञान लिया, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा आने वाले समय में ये समस्या भी नहीं रहेगी और जिलों में अपने अपने सेंटर पे ऑनलाइन परीक्षाओं का भी प्रावधान हो जाएगा और युवाओं को बिल्कुल धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। हम उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं युवाओं की और हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर हम विश्वास जताएंगे, क्योंकि सबका साथ सबका विश्वास और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, अब वो चीज़ हो गई है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों का विश्वास हो गया है। और हाँ जी, दो विधानसभा से महिला कितनी तादाद में कमल खिला सकती है? देखिए ऐसा है, सफीदों में महिलाएं जो है हमारी 60% वोटिंग करेंगी और बिल्कुल अच्छे से कमल के पक्ष में ही करेंगी, हम घर घर जाएंगे, कमल ज्योति जगाएंगे और लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा वोटिंग थी जी, 45,000 से ज़्यादा वोटों में टोटल जीते थे, उसमें महिलाओं की 50% से क्या लगता है आपको, क्या 75 का जो आंकड़ा है वो पार कर पाएंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो श्योरिटी है, 75 तो हमें पीछे से संगठन ने दिया है, परंतु हमने जो काम धरातल स्तर पे देखा है, अपना मुख्यमंत्री जी की ईमानदार नीतियाँ, पारदर्शी सरकार, एक एक बात की जिम्मेदारी, तो इससे तो 75 पार के हम 80 पार भी जाएंगे, इस बात की पूरा हमें विश्वास है। ये हमारे साथी कविता शर्मा जी, जिन्होंने अपना सारा जोर दोर से पूरा महिला शक्ति के साथ कहा है कि 75 नहीं 80 पार जाएंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है सुनीता, प्रदेश अध्यक्ष लोचप जी, इनसे और हम बात करेंगे जो ये महिला शक्ति सम्मेलन
यहाँ किया गया है, एकत्रित क्यों है, इनके प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, क्यों इतनी महिलाओं को यहाँ इकट्ठा किया गया है। जी हाँ, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी थैंक यू। ये जो महिला शक्ति महिला मोर्चा महासम्मेलन यहाँ हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें, क्यों एकत्रित हुई इतनी भाई साहब? ये जो हमारा महिला कमल शक्ति सम्मेलन विधानसभा वाइज हो रहे हैं, विधानसभा वाइज हमने ये 90 की 90 विधानसभाओं में चला रखा है कि महिलाओं को जागरूक करना है कि भाई महिलाएं, समय आ चुका है कि अब जो चोर लुटेरे सरकारें थी वो हमने भगा दी हैं, हम पारदर्शिता से सरकार फिर दोबारा से मनोहर लाल जी के नेतृत्व में लेके आ रहे हैं, इसीलिए अपनी बहनों को जागरूक करने का जो है हम ये कमल शक्ति अभियान चला रखे हैं कि हम बूथ पे 10 यूथ होते हैं हमारे साथ, तो एक बूथ पे हमारी कम से कम 5 बहनें भी साथ में बैठेंगी जिस दिन हमारे चुनाव होंगे बूथ पे। महिला शक्ति का कितना योगदान रहेगा सभी विधानसभा को लेकर? सहयोग के लिए विधानसभा सहयोग में महिला शक्ति जितनी हमारी पदाधिकारियां हैं वह अलग से और भी हैं, उनकी सहयोगियां पूरा सहयोग करेंगी, पूरा टाइम देंगी, जिसको भी टिकट मिलेगी। हमारा मोटो सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल है, ना कि प्रत्याशी कौन है ये नहीं देखना, हमने एक सिर्फ चिड़िया की आँख देखनी है जैसे अर्जुन ने देखी थी, हमने चिड़िया नहीं देखनी, चिड़िया की आँख देखनी है, इसलिए हम कमल के फूल के लिए काम करेंगी सभी महिलाएं और कमल का फूल ही खिलाएंगी, इस बार फिर हम 75 पार लेके जाएंगे। सुनीता जी, सबसे पहले जहाँ अगर यहाँ कमल का फूल खिलता है सफीदो विधानसभा में, शुभ कार्य क्या होगा? शुभ कार्य तो भाई साहब देखो, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बताएंगे या जो हमारा यहाँ से प्रत्याशी चुनकर आएगा वो भाई सोच के बताएगा कि भाई हमने शुभ कार्य क्या करना है। मेरे हिसाब से तो सबसे पहले उन्होंने महिला शक्ति का धन्यवाद करना चाहिए। जो ये 75 का आंकड़ा है, क्या ये बीजेपी पार कर पाएगी? बिल्कुल श्योर, पार करके 75 पार इस बार जरूर होगा ही होगा। अब की बार जो सीएम किसे देखना चाहते हो? मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को दोबारा से फिर जी मनोहर लाल गट्टू पे देखना जी, उनकी छवि से आप खुश हो? बिल्कुल, उनकी छवि से हम खुश हैं, उनके कार्य से हम खुश हैं, उनके संगठन के जो नेतृत्व है, जो उन्होंने संगठन में कार्य किया है हमने वो भी देखा है। मेरे को 25 साल हो गए हैं पार्टी में कार्य करते हुए, हम उनसे बिल्कुल पूर्ण रूप से खुश हैं, जो पारदर्शिता उन्होंने लेके आए हैं हमने किसी भी पार्टी में नहीं देखी है, आज तक किसी मुख्यमंत्री के अंदर हमने वो छवि नहीं पाई जो हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के अंदर देख रहे हैं। ये थे हमारे साथ सुनीता लोचप जी, जिन्होंने अभी साफ तौर पर बताया है कि जो दोबारा फिर हम मनोहर लाल खट्टर को ही सीएम देखना चाहते हैं। एकता शक्ति हमारी इतनी मजबूत हो गई है कि सफीदो विधानसभा में नहीं पूरी 90 की 90 सीटों में कमल का फूल उगाएंगे। ज़्यादा तेज खबरों के लिए देखते रहे खबर तहलका, मैं संदीप कुमार कैमरामैन विकास के साथ। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।